नमस्कार प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदिक आरोग्य भव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप फिटकरी का उपयोग करके अपने गले का, मुंह का, नाक का और सांस की नली का, फेफड़ों का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी पहली वाली वीडियो देखनी है, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फिटकरी का ही दूसरा एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही सरल और साधारण सा नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने मुंह का, गले का, नाक का फंगल इन्फेक्शन तो दूर करोगे ही, और साथ ही साथ इसका प्रयोग करने से आप अपने दांतों की सफेदी भी बढ़ा पाओगे और अपने दांतों का पीलापन भी खत्म कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फिटकरी का दूसरा बहुत ही कामयाब और लाभदायक उपयोग बताता हूँ। 20 से 25 ग्राम फिटकरी के छोटे टुकड़े करके गर्म तवे पर रख के उनको भून लें। गर्म होने से फिटकरी थोड़ी फूल जाती है। फूलने के बाद उसको थोड़ा सा उलट पुलट कर हल्का सा और भून लें। बस ये ध्यान रखें कि जले ना, जले नहीं चाहिए। इसके बाद इस भुनी हुई फिटकरी को थोड़ा ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए, इसको कूट कर पीस कर बारीक पाउडर बना लें और किसी बारीक छलनी के द्वारा छान कर इसको रख लें। अब इस पाउडर को आप मंजन के तौर पर इस्तेमाल करें और अपने मसूड़ों और दांतों में इसकी हल्की हल्की मसाज करें। ऐसा करने के बाद 5 मिनट तक फिटकरी के उस मंजन को अपने मुंह के अंदर ही रहने दें और फिर 5 मिनट के बाद पानी से कुल्ला कर लें और थोड़ी देर तक कुछ खाएं पिए ना। मतलब जैसे लगभग 15-20 मिनट कुल्ला कर लें और उसके बाद लगभग 10-15 मिनट तक कुछ खाएं पिए ना। फिटकरी के इस मंजन को बताए गए नियम के अनुसार दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले इस मंजन को करके और 5 मिनट बाद पानी से कुल्ला करके सोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, इस मंजन को करने से दांत सफेद होते हैं, दांतों का पीलापन खत्म होता है। इससे पिछली वीडियो में जो मैंने आपको फिटकरी के फायदे बताए थे, जैसे हर प्रकार का फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है, गले का इन्फेक्शन, मुंह का इन्फेक्शन, सांस की नली का इन्फेक्शन, फेफड़ों का फंगल इन्फेक्शन और हमारे नाक का फंगल इन्फेक्शन, उन सभी में इस मंजन से भी बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, ये इतने सारे फायदे उठाने के लिए आपको फिटकरी का किस प्रकार से सेवन करना है, किस प्रकार से उसका उपयोग करना है, ये सारी जानकारी डिटेल से मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी थी और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगा नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।